हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। मैं पूर्णिमा से अपने चैनल में आप सबको स्वागत करती हूँ। कल वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कल थोड़ी सी तबीयत खराब लगा, बहुत ही खराब लगा, तो नहीं कर पाई। तो आज जैसे रजा खत्म हो गया और आज माता की स्नान होती है, लक्ष्मी माता की, और पूजा वगैरह करके उनको भोग लगाया जाता है। जो भी घर घर की साफ सफाई, जैसे सुबह पोछा वगैरह, और धरती माता का भी स्नान होती है। जो मतलब आज बारिश भी जरूर होती है, जैसे भी, तो कम ज्यादा कुछ भी हो, लेकिन बारिश, सुबह बारिश हो गई तो धरती माता भी भीगे। ये माता को आज जैसे हल्दी और घी से नहलाते हैं, और उसमें पानी में थोड़ी सी गंगा जल मिला लिया था, और घी और हल्दी लगा के उन्हें नहला, अच्छी तरह से थोड़ी सी नहला दिया। वो गर्मी में, बहुत गर्मी हो गई थी ना, नहीं नहाए थे, तो आज मैंने बस उन्हें नहला दिया अच्छे तरह से। बस मतलब माता को बहुत गर्मी, जैसे इसलिए बारिश होते कहते हैं, मुझे इतना तो नहीं मालूम। कहते हैं कि जैसे गर्मी बहुत सहते हैं तो माता बसुमती स्नान को उन्हें भी बहुत ही गर्म सहना पड़ता है। तो ये दिन ये जो बारिश होती है, तो माता का ये जो 4 दिन तो रज के बाद माता का जो आज नहलाते हैं, तो मैंने नहला दिया। और बनाते भी हैं खीर, जैसे पीठा वगैरह और खिचड़ी, जैसा हर सब कुछ बनाते हैं। हर साल मैं भी बनाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं बनाया क्योंकि खाने, एक तो करने की थोड़ी सी ताकत भी नहीं थी, अच्छा नहीं लगता है, तो गैस्ट्रिक थोड़ा हैवी हो गया है, तो बहुत ही बहुत मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता काम, जैसे ये सब करना तो पड़ता है, थोड़ी सी काम थकान नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं लगता, और कुछ तो खाया भी नहीं जाता ना, इसलिए खाने से मतलब हजम ही नहीं होती, तो मेडिसिन खा के खा रही हूँ, तो थोड़ी सी इसलिए कुछ भी और कुछ बनाया नहीं, सिर्फ खीर लगा के। खीर भी माता का प्रिय होता है जो कहते हैं, तो वही खीर ही थोड़ी सी बना के भोग लगा दूँगी, ऐसा ही सोच रही थी। तो ये नहला के मैंने माता को वस्त्र पहना दिया, जैसे पहना कर ऊपर उसी जगह में जैसे जहाँ बैठे थे वहाँ, लेकिन नहला के सब कुछ साफ करके, जैसे फिर पूजा वगैरह करके, ऐसे घर के सब हर भगवान को फूल वगैरह, जैसे रोज़ की पूजा 3 दिन के बाद आज तो पूजा हुई ना, तो पूजा के आज पूजा हो गई, पूजा के बाद थोड़ी सी जाके खीर बना ली, तो खीर बना के भोग लगा दी। उसके बाद खाना जो भी, या इधर दिन के लिए थोड़ी सी खाना भी बना रही थी, चावल पिठा दिया था, यहाँ खीर भी बना रही थी, ज़्यादा भी खीर नहीं बनाया, थोड़ा सा ही, तो यही खीर बना के थोड़ी सी भोग लगा दी। भोग लगाने के बाद जैसे आज माता, आज जैसे कहते हैं ये दिन, आज गुरुवार भी है और अच्छा दिन भी है, तो भोग तो बहुत कुछ लगाया था, सब लोगों ने बहुत बनाए होंगे, लेकिन मैं तो ऐसे नहीं बना पाई इस बार, हर बार बनाती हूँ लेकिन इस बार नहीं बना पाई, तो अच्छा भी नहीं लगा थोड़ी सी, लेकिन क्या करें, वो सब तो नहीं होता। तो माता को बोल रही थी कि माता थोड़ी सी माफ़ कर दीजिए, आपके प्रसाद बनाने में थोड़ी सी असमर्थ हो गई इस बार, तो वही आलती वगैरह कर लिया मैंने, भोग लगा के आलती कर दी। और तो फिर आज बसुमती स्नान का जैसे वो पूजा
दिन का ये पूजा शुरू होने से मीठा भी कुछ स्टार्ट होती है। तो 3 दिन के बाद जो मीठा भी थोड़ी सी भोग चढ़ती है, इसलिए खीर बनती है, पीठा बनती है, खिचड़ी बनती है, ये सब बना के भोग लगाते हैं। लेकिन नहीं हुआ तो मिठाई से ही ठीक। तो फ्रेंड्स, आज का अगर छोटी सी वीडियो बसुमती स्नान वाला ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आती है, उस बेल आइकन का दबा लेने से आपको मेरे वीडियो का फर्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए यहीं रहती हूँ। जय श्री कृष्णा।